दिव्या के पास जाना पड़ेगा। दिव्या, हाँ दिव्या, आपके पास आ रहा हूँ। दिव्या बोलिए। अरविंद जी देखिए देखिए, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और एक ही गाड़ी में अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी जो है वो मौजूद है यहां पर। और ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से विधायक दल का नेता जो है वो आतिशी को चुना है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही गाड़ी में आतिशी को बिठाया है। और ये साफ संदेश कि अब मेरी उत्तराधिकारी जो है वो आतिशी होगी। आप देख सकते हैं ये गोपाल राय जो है वो भी पहुंच चुके हैं। चूंकि हम लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, साथ ही साथ उनकी पूरी कैबिनेट, आप देखिए गाड़ी में जो है वो गोपाल राय मौजूद हैं जो अभी भी दिल्ली सरकार में मंत्री है, साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, ये सब जो मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा कैबिनेट है वो पूरी इस्तीफा देगी और उसके बाद दिल्ली में जो नई सरकार का गठन है उसके लिए भी दावेदारी आज ही पेश की जाएगी। ये आप देख रहे हैं एलजी हाउस की तस्वीरें जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। और पिछले 11 सालों में ये दूसरी मर्तबा है जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। और देखिए पूरी कैबिनेट के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और आज ही विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल का नेता जो है वो आतिशी को चुना गया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल एक तरफ इस्तीफा देंगे, एलजी को इस्तीफा दिया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति को जो है वो इस्तीफा भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी के लिए इंतजार किया जाएगा और आज ही दिल्ली की नई सरकार के गठन के लिए दावेदारी पेश की जाएगी। अगर नए सरकार की गठन की बात की जाए तो देखिए जो तमाम विधायक हैं उनका साइन किया हुआ लेटर, साथ ही साथ विधायक दल की नेता आतिशी उसके नेतृत्व में जो लेटर है वो अरविंद केजरीवाल लेकर निकले हैं। और ये आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इमरान हुसैन को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। तो अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस वक्त एलजी हाउस पहुंच चुके हैं। 4:30 बजे का जो समय है वो मिला था इमरान हुसैन को, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कैलाश गहलोत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, साथ ही साथ उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ इस्तीफा देगी। तो इस वक्त ये तस्वीरें News 24 पे एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल, ये आप देख रहे हैं सीधा तस्वीरों में सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। और लगातार हम कह रहे हैं दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं यानी कि पूरी कैबिनेट जो है वो इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल के घर जो है वो पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल के तमाम सिपा सलाहकार यहां पर पहुंच चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के साथ जो है वो अब इस्तीफा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज ही नई सरकार के जो गठन की दावेदारी है वो भी पेश की जाएगी। और गठन की दावेदारी की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल आतिशी को अपने साथ ही अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए हैं। ये साफ तौर पर संदेश है कि अब आतिशी जो है वो मेरी उत्तराधिकारी है, अब मैं जो है वो चुनाव में उतरूंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, अब जनता मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी और आतिशी जो है वो मेरा कार्यभार संभालेगी। अगर बात की जाए देखिए आतिशी की, तो आतिशी जो है वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ी है, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से पढ़ी है, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ी, उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में रिसर्च किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद देखिए 2013 में अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार का जो पहला मैनिफेस्टो बना था उसमें आतिशी की एक अहम भूमिका थी, सबसे पहले आतिशी को जिम्मेदारी वही मिली थी। और ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से आतिशी का कद ऐसे ही बढ़ता चला गया। हम देख रहे हैं पिछले 11 वर्षों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन हमने आतिशी को भी देखा है कि किस तरीके से आतिशी सबसे पहले 2013 में जब दिल्ली सरकार का गठन हुआ उसके बाद जो मैनिफेस्टो बनाया गया यानी जो घोषणा पत्र बनाया गया जो बहुत जरूरी होता है, जो दिल्ली के लोगों की जिसमें रायशुमारी की जाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिजली पानी तीर्थ यात्रा फ्री DTC यात्रा फ्री उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की आतिशी ने। वहीं अगर हमने देखा मनीष सिसोदिया जब कथित शराब घोटाले में जेल में गए उसके बाद शिक्षा मंत्री के तौर पर आतिशी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए किस तरीके से एक लाजवाब काम हुआ है, हैप्पीनेस करिकुलम की अगर बात की जाए, जो बाहर के देशों के लोग हैं वो भी दिल्ली में आए और उन्होंने देखा कि किस तरीके का जो करिकुलम है वो यहाँ पर है और उसका विस्तार ना ही दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में उसका विस्तार किया जाता है। हर मंच पर अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार का जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो बहुत ज्यादा रिच है। और ये सब ऐसी खूबियां हैं जो आतिशी को विशेष बनाती हैं और आतिशी को ही अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर अब जो पूरी कैबिनेट है अरविंद केजरीवाल के साथ वो पहुंच चुकी है एलजी हाउस में और प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान है वो भी मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज जवान है। प्रवेश द्वार से जो है वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट जिसमें सौरभ भारद्वाज
हैं, कैलाश गहलोत हैं, गोपाल राय हैं और आतिशी चूंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आई है और ये साफ तौर पर यह संदेश देता है कि अब मेरा उत्तराधिकारी ये है, अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं जनता से राय शुमारी करूंगा, मैं जनता की समस्याओं को सुनूंगा, जो भी योजनाएं दिल्ली सरकार की हैं वो जनता से समझने की कोशिश करूंगा कि उसका लाभ जनता को मिला है या नहीं, लेकिन अब मैं वो करूंगा और मेरी जिम्मेदारी जो अभी तक थी वो आतिशी निभाएगी। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले 11 सालों में ये दूसरी मर्तबा है जब अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा देंगे। सबसे पहले अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो देखिए दिसंबर 2013 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी थी, लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में सरकार बनाई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सीट्स जो हैं वो बहुमत के लिहाज से बेहद कम रह गई थी। उसके बाद देखिए 2014 की अगर बात की जाए तो फरवरी 2014 में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी तो उसको न सिर्फ पूर्ण बहुमत मिला था, उसको जनता का ऐसा समर्थन मिला था जिससे वो गदगद हो गए थे। अभी आज भी याद है दिल्ली का वो हनुमान मंदिर का दफ्तर जहां की खिड़की से कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि ये जनता की जीत है। 67 सीटें जीत कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर जो है वो बैठे थे और आज हम देखें तो देखिए किस तरीके से अब दिल्ली के एलजी के घर जो है वो पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। ओके दिव्या, लौटूंगा आपके पास। तो अब कुछ देर जाहिर है अंदर भी मीटिंग चलेगी जहां अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, पूरा कैबिनेट गया है, सामूहिक इस्तीफा होगा सरकार का केजरीवाल जी के साथ ही। अंदर ज्यादा बातचीत की संभावना तो है नहीं, क्यों कुलदीप भाई? अंदर क्या ज्यादा बात तो होगी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि रिश्ते तो एलजी साहब से केजरीवाल के बहुत अच्छे हैं नहीं, सही कह रहा हूं ना? देखिए